पंजाबी रंगमंच खेत्र विच एक जाणिया पहचाणिया नाम है जिसने जोवन ओपन एयर थिएटर की रख रंगमंच नूं अगे लिजाण दा बीड़ा चुकिया होया है। उसकी साथण राज धालीवाल जो फिल्मी अदाकारी दे नाल जुड़ी हुई है निर्भय धालीवाल की सोच के अंग संग खड़ी है। नाटक लिखिया भी जाता है तो खेडिया भी जाता है पर निर्भय ता साहित की विधा नाटक नूं अपने पिंडे ते हंडाउंदा है ते उस विच जान भर दिंदा है। उसका जनून सिर चढ़ बोलता है कठपुतलियां सत्यम शिवम ते सुंदरम की धारना नूं मुख रख के नाटककारी का प्रमाण पेश करता है। जो कलाकार लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी नाटक विच परो के लोगों सामने लिया है वह भी एक सफल नाटककार होता है। अज उसकी सोच को किताबी रूप में तुहाडे सब के सामने अर्पण करने विच पंजाबी साहित कला केंद्र जुके अपना माण महसूस करता है। असी पारक संधा वालिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्हों राही ये किताबा साढ़े तक पहुंचिया हैं तो सानू उन्होंने ये मौका दिता है कि असी इतने अपने सभा के वालों इन्हों रिलीज करिए। परम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्ना कुछ कहती हुई मैं हूँ मेरा ख्याल है कि उन्होंने किताब रिलीज की जाएगी तो जिहड़ियां होर किताबा इतने सुखवीर सोढ़ी जी की किताब ये निर्भय की किताब शगुफ्ता जी की किताब से प्रकाश सोह जी की जिन्हें दी भी इतने किताबा रिलीज हो रही ने मैं अपने वालों उन्होंने बहुत बहुत बधाई दिनी है क्योंकि किताब लिखना कोई इन्नी सौखी जी गल नहीं एक बड़ी तपस्या होंगी है तो जो किताब मुकम्मल हो जाती है लिखण वाले जिहड़ा चा चढ़ता है वह सिर्फ लिखण वाला ही जानता है। धन्यवाद। बड़े चिरों तो कई दहाकों तो एक मुंडे को देखते जो बड़ा ही वधिया गाँवदा सी ते वो गाउण दे नाल नाल जो उहदे अंदर दे जिहड़े बलबले सी उहदे जज्बात सी वो शब्दी रूप दे विच किताब दे विच आ गए तो हुण उस ही किताब नूं भी अज लोक अर्पण किया जाएगा। ये कोई होर नहीं साडा सुखवीर सोढ़ी जी है तो उहदे बारे अपने अजीम शेखर जी भी कहेंगे। दोस्तों किसी किताब का आना किसी वास्ते बहुत मामूली गल हो सकती है किसी वास्ते यहोजी गल होंगी है कि जिम्मे उन्होंने कुछ लग गया हो पर किताब छपण तक उहदे लेख नूं किन्ना किन्ना पलां विच दी सुखद होण चाहे दुखद होण लंघना पैंदा है। जिन्होंने ये साडे वीर सुखवीर सोढ़ी की किताब काव्य संग्रह सरलेख है जिहदा सरनाम वो जो पढ़ोगे तो भली बात है इतों तुसीं जाणू हो सकोगे। कई साल पहलां दी गल है जदों सुखवीर सोढ़ी नाल इस विषय ते गल चली कि किताब छपवाउणी है तां किवें रहूगा मैं कहा वीर किताब तां छप जांदी हुंदी है किताब छपण च कोई देर नहीं लगती पर किताब छपणी चाहीदी है जां नहीं ये छपण तों पहला सानूं जरूर सोच लेना चाहिए। सो इन्हां दे गीत एक बड़ा सोहना गीत आया सी इहदा कि कणकां दे रंग चेहरा रंग तेरा इस तरह उहदा अनुमान सी उहो जिहे गीत जदों इह लै के असीं बैठे इक दिन इस गल मेरे नाल घट्टो घट्ट 6 जां 7 साल पहलां दी गल है मैं कहा वी जे तां गीत सिर्फ छपवाउण तक ही रखणे आ तां जिहे जिहे हैगे तुसीं जित्थों मर्जी छपा सकदे छपवा सकते हो पर जे किताब दे रूप में आने तो पहला जे ये थोड़ा जा ध्यान दिता जाए